अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आज हम बात करेंगे डेनी डिवाइस के हवाले से। जी हाँ, डेनी टीवी डिवाइस। तो ये टीवी डिवाइस नहीं है, ये टी व्यू डिवाइस है। तो सिमिलर है, एक ही कंपनी की है। इससे पहले जो है हम लोग डिवाइस डेनी की यूज़ कर रहे थे, हमारे पास टीवी नहीं था तब। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कंप्यूटर स्क्रीन थी और उसके साथ मैंने डेनी की टीवी डिवाइस लगाई थी और उसमें केबल की तार लगाई हुई थी, जिससे जो है हम बआसानी टीवी चैनल एक्सेस कर सकते थे। और वो मतलब काफ़ी अरसा हमारा सेटअप जो है चला था। और एक टीवी था जो सिर्फ मेरे फादर के रूम में था और वो सिर्फ न्यूज़ देखा करते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जब शिफ्टिंग करनी थी तो वो मैंने सेल कर दिया। भाई ने कहा नई कंपनी का आएगा तो तुमने यहाँ परचेज़ कर लेना। सो अब जो है हमें नहीं लेकर दिया, तो मैं ये टी व्यू लेकर आई हूँ। और ये जो टी वी व्यू है, ये एक तरह से रिकॉर्डिंग डिवाइस है और ये कंप्यूटर के साथ लगती है। इसका रिव्यू बहुत अच्छा दिया था मेरी एक फ्रेंड ने, और उसने कहा था कि मैं जब कंप्यूटर पर काम कर रही होती हूँ तो जो है ये डिवाइस मैं कंप्यूटर में लगा लेती हूँ और जो ड्रामा मैंने देखना होता है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके बाद जब मेरे पास टाइम होता है तो वो ड्रामा जो है मैं देख लेती हूँ। तो तुम भी ये डिवाइस ले लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और काफ़ी एक्सपेंसिव आई थी, आई थिंक 2400 रुपीज़ की ये डिवाइस मैंने ली थी। और जो है ये डिवाइस मैं लेकर आई और इसकी जो है मैंने पूरी इसकी बुक पढ़ी, इसकी इंस्ट्रक्शंस को मैंने फॉलो किया, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है मैंने ये डिवाइस इंस्टॉल की अपने सिस्टम में। लेकिन सिर्फ एक से दो चैनल्स ये पिक कर रही थी, वो भी न्यूज़ चैनल, और वो इतनी गंदी इसकी क्वालिटी आ रही थी, बहुत ज़्यादा इसमें दाने वगैरह थे। तो जो है मैंने फिर इसमें जो वो वायर अटैच करते हैं उसकी एक्सटेंशन भी अटैच की, इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, बट जो है मेरे सिस्टम पर ये प्रॉपर नहीं चली। तो मैंने इसको जो है अपने लैपटॉप के साथ भी इंस्टॉल किया और वहाँ पर भी ये सही नहीं चली। तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बुरा हुआ। और फिर ये मैंने डिवाइस जो है रख दी थी। तो मैंने अब डिसाइड किया आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि अगर कोई लेना चाहता है। वैसे तो अब मोबाइल इतना इन हो गया कि किसी को जो है ये डेनी टीवी डिवाइस और टीवी व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि पहले जो है ये एक दफ़ा टेस्ट कर लें अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये वायरलेस डिवाइस होती है और ये सिग्नल्स कैच करती है, बट मेरे सिस्टम पर इसके सिग्नल्स जो हैं वो कैच नहीं हो सके थे। तो यानी मेरे पैसे जो हैं वो वसूल होने के बजाय ज़ाया हो गए थे। अब मैंने डिसाइड किया है शॉप पर तो ऑब्वियसली ये वापस नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं गई थी इनके ऑफिस तो उन्होंने कहा था अगर आपने इनको हमारी फ्रेंचाइज से लिया होता तब जो है हम ये वापस कर सकते थे, और अभी जो है ना हम ये नहीं ले सकते। तो ये एक इशू हो गया था कि मैंने ये जो है बाज़ार से परचेज़ की थी और मैंने इनकी फ्रेंचाइज से नहीं परचेज़ की थी। तो उन्होंने कहा था हम ठीक कर देते हैं। मैंने कहा ठीक करने के लिए फिर वही है, मैं 1000 रुपीज़ खर्चूँ और जो है मैं किराया लगा कर दोबारा आऊँ अपना सिस्टम लेकर और आप उसमें देखें और फिर कहें कि जी वाकई में इस डिवाइस के अंदर एरर है और हम जो हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं और ये वो। तो फिर मैंने कहा चलें रहने दें। इनका जो ऑफिस है वो हफीज सेंटर के ऑपोजिट वाला जो प्लाज़ा है ओप्पो के बैक साइड पे, वहाँ पर इनका ऑफिस है। तो मैंने फिर कहा था ठीक है कोई नहीं, पड़ी रहे मैं फिर देखूँगी। और अब जो है ना ये मैं किसी को दे दूँगी, किसी ऐसे टेक्निकल बंदे को जो इससे काम ले सके। तो ये था आज का टी वी व्यू का रिव्यू। होप कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।